वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे और अभी भी करेंगे, भी आगे भी करेंगे, रैपिड फायर राउंड हमारा जारी रहेगा, लेकिन वी विल बी फोकसिंग नाउ ऑन दी चैप्टर पार्ट ऑल्सो। वी विल बी टीचिंग यू चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग सब सवाल कर रहे थे। कुछ वीडियोस हैं दोस्तों, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल का वीडियोस आप देख लें, फिर अक्षांश देशांतर के बारे में जो वीडियोस हैं देख लें। अब एक एक करके अब हम लोग चैप्टर वाइज भी हम आपको मटीरियल देंगे, चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम लोग सारा एकदम एग्जॉस्टिव स्टडी, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज नहीं करेंगे इस पे। हम लोग जो क्वेश्चन की, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पे मेन फोकस करेंगे और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार को याद हो जाएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाचन का मतलब क्या है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम कुछ खाते हैं तो वो पचता है, पच के कहां जाता है? तो दोस्तों, ये एक चीज जान लीजिए कि पाचन मतलब होता क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो फूड हम लेते हैं उस फूड का जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूट टूट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो दोस्तों, एक बार हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे देखिए क्या है, ये डाइजेशन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब क्या हो गए, बड़े मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, माइक्रो मने छोटे और मैक्रो मने बड़े। तो बड़े मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में दोस्तों। ठीक है, तो ये एंजाइम्स होता क्या है ये जान लीजिए। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स एक प्रोटीन है जो डाइजेशन में, डाइजेशन के प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है दोस्तों, कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, जो कि प्रक्रिया में, मतलब पाचन की प्रक्रिया में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन प्रक्रिया के दर को, यानी कि पाचन जो स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम, पहले तो जान लीजिए एंजाइम होता क्या है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। कहा जाता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल, सॉरी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, इस बात को जान लीजिए। और प्रोटीन क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, या फिर यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन में भी क्या करेंगे, वो एक उत्प्रेरक का यानी कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम का कोई रोल नहीं हो, रोल हटा दिया जाए, तो खाना एकदम नहीं पचेगा, या फिर वर्षों लग जाएंगे पचने में, या फिर जिंदगी भी गुजर जाए कुछ खा लिए तो पचने में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं कि हम कुछ भी खाना खाते हैं तो 4 से 5 घंटा जो औसत समय होता है, औसत एवरेज टाइम होता है एक खाना को पचने के लिए, जो नॉर्मल खाना खाते हैं उस खाना को पचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। अगर एंजाइम्स को हटा दिया जाए तो सालों लग जाएंगे पचने में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुना इस प्रक्रिया को, इस डाइजेस्टिव प्रक्रिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना फास्ट बना देता है, कौन बना देता है, एंजाइम बना देता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग समझ गए ये बात कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं और उस हद तक टूटते हैं जिस हद तक, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़े मॉलिक्यूल जो खाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल टूट टूट के छोटा हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं दोस्तों, अगर हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या खाते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम, ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम पचाता है उसके प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ये ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 क्या है, मोनोसैकेराइड होता है, ये क्या है पॉलीसैकेराइड होता है, जटिल शुगर होता है, जटिल शुगर क्या कहा जाता है, एक ग्लूकोज बन जाता है, जो कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट जो कि शरीर जिसका इस्तेमाल कर लेता है, खाते हैं बड़े वाला चीज, लेकिन शरीर जिसका इस्तेमाल करता है वो क्या है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करता सर। शरीर जब तक कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक शरीर के लिए वो यूजलेस है। शरीर में जैसे ग्लूकोज बन जाता है वो आगे बॉडी में प्रोसेस होता है, उसी के लिए शरीर उसको इस्तेमाल करती है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं प्रोटीन, दोस्तों प्रोटीन एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम। अब दोस्तों मैं नाम अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि नाम हम लोग आगे जब सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम कब कार्बोहाइड्रेट पचाता है, कौन एंजाइम प्रोटीन पचाता है, ठीक है। तो प्रोटीन में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या करेगा, तोड़ के इसको एमिनो एसिड्स में बदल देता है, एमिनो एसिड्स मतलब कि सबसे छोटी इकाई, जैसे हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्लूकोज थी, और ग्लूकोज ही इस्तेमाल करता क्या शरीर। उसी तरीके से बड़े बड़े प्रोटीन खाते हैं और ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट के शरीर में चले जाते हैं और फिर बहुत सारे प्रोटीन मिलके जो यूजफुल प्रोटीन की जरूरत है शरीर में वो फिर, जैसे मान लीजिए कि एंजाइम ही बनाना होगा कोई, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो हम तो एक प्रोटीन खाए उस प्रोटीन का अलग अलग एमिनो एसिड बिखर गए, और जो जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड्स हैं वो सारे एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, मिलके एक प्रोटीन जो कि शरीर में जिसकी जरूरत है वो प्रोटीन बनाते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो एमिनो एसिड कहां से आते हैं, जो हम प्रोटीन खाते हैं उनसे आते हैं, या फिर कुछ एमिनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं, एमिनो एसिड्स आप ध्यान देंगे दोस्तों, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे आप। देखिए एमिनो एसिड्स दो तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड्स ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो भोजन से जो भी प्रोटीन हमें मिलता है वो सारे प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड में जो बदलते हैं वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब एमिनो जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो सारे एमिनो एसिड्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जिनका सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। जो एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है और शरीर के लिए जरूरी है, उस एमिनो एसिड के लिए कहां डिपेंड रहना पड़ेगा, हम अपने भोजन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यदि भोजन में वो एमिनो एसिड नहीं मिला तो क्या होगा, उस एमिनो एसिड के कमी के कारण होने वाली बीमारी हमें हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो जिस एमिनो एसिड के लिए हम लोग बाहरी स्रोतों पर, एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि फूड पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो खाद्य पदार्थों के द्वारा एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में मिलता है उसे क्या कहते हैं, असेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी कि अनिवार्य एमिनो एसिड कहते हैं। और इनकी संख्या 9 होती है, कितनी होती है, 9 होती है। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या क्या होती है, तो याद रखेंगे 9 होती है। अगर सवाल ऐसे में पूछ के ऐसे कह दे कि अनिवार्य एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं जिनके लिए हमें बाह्य स्रोतों पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिसका सिंथेसिस, जिसका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, इनकी संख्या 11 है, और जिसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनका संश्लेषण कहां होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के लिए हमें बाह्य स्रोतों पे, यानी एक्सटर्नल सोर्सेस पे, यानी कि फूड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देख लिया
एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। मतलब कहा जाए, अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या कहा था शुरुआती दौर पे कि हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्वेश्चन पूछता है कि एमिनो एसिड्स में टोटल एक प्रोटीन बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड्स है वो कितने होते हैं। दोस्तों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को मिला दीजिए, यानी कि 9 और 11 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 20। ठीक है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हो गए, 20 एमिनो एसिड हो गए, जिसमें कि 9 क्या होते हैं रिक्वायर्ड यानी कि एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि फैट यानी कि वसा, वसा टूट के क्या देता है, ये भी एंजाइम होगा यहाँ पे दोस्तों, जो वसा पचाने वाला एंजाइम जो होगा, जो वसा को तोड़ने में मदद करता है, यानी उसको कैटलाइज करता है, वो क्या फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है दोस्तों, फैटी एसिड्स में। ठीक है, फैटी एसिड्स में या ग्लिसराइड्स में। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं क्या कि अब कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज देता है, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड देता है, फैट टूट के फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और ये टूट के क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, एमिनो एसिड्स देते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स देते हैं, जो कि शरीर में डायरेक्ट जाके उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात को, तो डाइजेशन का पूरा आपको डेफिनेशन पता चल गया, और एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या देता है, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके क्या देता है, ग्लूकोज, फैट डाइजेस्ट होके क्या देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक काम कीजिए दोस्तों, आप इसका एक स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बकल कैविटी से मतलब जहां से डाइजेशन शुरू होता है वहां से हम आगे क्लास को प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने एकदम नट शेल में देख लिया कि डाइजेशन होता क्या है, और डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या देता है, प्रोटीन टूट के क्या देता है, और फैट टूट के क्या देता है, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या क्या है, इसकी चर्चा हमने कर दी। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन शुरू कहां से होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम आहार लेते हैं हमारे मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम भोजन लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे फूड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम ये फूड लिए यहाँ पे, ये फूड हमने ले लिया, फूड लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, फूड को हम लोग क्या कहते हैं, चबाते हैं। तो चबाते किससे चबाते हैं, तो टीथ से दबाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी में देख लेते हैं दोस्तों, बक्कल कैविटी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है दोस्तों, एक होता है तो कुछ होते हैं टीथ, यानी कि सिंगुलर होगा तो टूथ, प्लूरल होगा तो टीथ हो गया। दूसरा क्या होता है, टंग। तीसरा क्या होता है दोस्तों, सेलिवरी ग्लैंड्स। जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं और क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं और उसमें जो भी कुछ पचने की जरूरत होती है तो उसको पचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में देखते हैं। तो जो ह्यूमन बींग है इसका टीथ क्या होता है, तो टीथ जो होते हैं ये टीथ, ये ICPM होता है दोस्तों। ICPM मतलब क्या हो गया, आई स्टैंड फॉर इंसीजर, इंसीजर जो सामने वाले दांत होती है दोस्तों, वो जो काटने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कटिंग अपैरेटस भी बोलते हैं, वो कहते हैं इंसीजर। उसके बाद होता है कैनाइन जो चीरने के लिए जरूरी होता है दोस्तों, उसको चीरने के लिए जो हमारे दांत में यहां पे कैनाइन होता है, उसको क्या कहते हैं, चीरने के लिए होता है, टियरिंग अपरेटस होता है। ठीक है, और ये जो प्रीमोलर है,
प्रीमोलर और मोलर। ठीक है दोस्तों, प्रीमोलर और मोलर जो है ये मास्टिकेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मास्टिकेशन यानी चबाने का काम करते हैं, मास्टिकेशन का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिएगा, इसे डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। 2123/2123 इनटू 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। अब देखिए 2123 है क्या? देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ICPM यहाँ पे लिखा है, उसी तरह आई हो गया, इंसीजर 2 हो गया। ये देखो है फॉर्मूला दोस्तों, ये हमारे ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़ों का आधा आधा हिस्से का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। जितना दांत आधे में इधर होता है, बाएं होता है, उतने ही आधा में दाहिने भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चार दोनों जबड़े की बात कर दी जाए तो 1/4 की बात की गई है, यानी ऊपर का आधा और नीचे के आधे जबड़े की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आधे जबड़े, ऊपर के आधे जबड़े में एक सेट होता है जिसको 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। ठीक उसी तरीके से नीचे जबड़े के आधे में भी 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मतलब 2 कर दिया गया और फिर जोड़ दीजिएगा टोटल तो 32 दांत हो गए। तो याद रखेंगे कि 32 दांत में कुछ सवाल ये आता है कि डेसीडुअस टीथ कितने होते हैं। डेसीडुअस टीथ मतलब दूध का दांत, यानी कि कौन दांतों की वो संख्या बताए जो जीवन काल में 2 बार होता है, जीवन काल में 2 बार होता है। तो दोस्तों मोलर को छोड़ दिया जाए, ठीक है दोस्तों, मोलर को अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि मोलर जो होता है ये एक बार ही होता है, यानी 3 × 3 = 12 माइनस कर दीजिए इसमें से तो कितना हो जाएगा? 32 - 12 यानी कि 20 टीथ जो होते हैं ये दूध का दांत होता है, डेसीडुअस टीथ होते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं, जो जीवन काल में 2 बार डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं। एक बार होता है फिर टूट जाता है, दोबारा फिर से दांत होता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने दांत 2 बार होते हैं? 20 दांतें जो होती हैं, 20 टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 बार पैदा होते हैं। और देखिए एक सवाल, आखिरी जो आगे सवाल जो पूछा जाता है वो सवाल है कि मोलर जो है 3 मोलर होते हैं, तो जो आखिरी मोलर होता है, जो लास्ट मोलर टीथ होता है, उसे विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लास्ट मोलर टीथ होता है, लास्ट मोलर टीथ कितने हो गए? 4 हो गए, मतलब ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, 4 हो गए। ये क्या कहलाते हैं? लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ कहा जाता है, विजडम टीथ। ठीक है दोस्तों, और ये विजडम टीथ क्या है? वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल मैंने क्या होता है? उसका इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे हमारे अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, ईयर मसल से वेस्टिजियल है, उसी तरीके से लास्ट मोलर टीथ भी क्या होता है? वेस्टिजियल होता है, वहां तक फूड नहीं पहुंच पाता है और उसका कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ उसे अकल की दांत, अकल का चूहा या विजडम टीथ कहते हैं, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या देख लिया कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत जो होते हैं डेसीडुअस टीथ कितने होते हैं, और लास्ट मोलर टीथ जिसको विजडम टीथ कहा जाता है वो वेस्टिजियल होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, अब इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं इसको अभी रब नहीं करूंगा, कहीं जगह बना के मैं लिखना चाहता हूं ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो कंप्लीट लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में दांत की बनावट से। तो देखते हैं दोस्तों दांत की बनावट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दांत है, ये दांत, ठीक है दोस्तों। तो दांत की जो बनावट से सवाल आता है वो आता है कि दांत का जो बाहरी हिस्सा होता है दोस्तों, देखते हैं ना कि सरौता समझते हैं, जिससे कि आप सुपारी काटते हैं उससे सुपारी काटना डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दांत से सुपारी काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? क्योंकि जो काटता है दांत का जो हिस्सा वो बहुत ही कठोर होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। और दांत का वो हिस्सा जो एकदम बाहरी होता है उसे एनामेल कहते हैं।
एनामेल कहते हैं दोस्तों, और क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। याद रखें क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी भी लिख सकते हैं, ऑफ द बॉडी होता है जो हार्डेस्ट पार्ट होता है। और दोस्तों एक सवाल जो कई बार पूछा जा चुका है कि एनामेल आखिर बना किस चीज का होता है, तो दोस्तों ये जो बना हुआ होता है ये मेड अप ऑफ इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट इस कैल्शियम फॉस्फेट का जो बना होता है इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सीएपेटाइट कहा जाता है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट। ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसे हम हाइड्रोक्सीएपेटाइट भी कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, शरीर का यही एक ऐसा अंग है जिसमें मिनरल्स के परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 96% क्या होते हैं इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कितने होते हैं इसमें, मिनरल्स जो होते हैं वो 96%। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया क्या, अब देखिए, अब हमने बक्कल कैविटी का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, टीथ। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इस एनामेल में क्या कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सीएपेटाइट भी कहते हैं, जिसमें 96% मिनरल्स होता है। ठीक है दोस्तों, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे टंग पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग देखते हैं टीथ के बाद टंग, अब लोग टंग देखते हैं। टंग एकदम छोटा सा, ज्यादा सवाल नहीं आता। टंग क्या है दोस्तों, टंग से क्या काम करते हैं, टंग से आप जब, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है टंग का, जो टेस्ट लेते हैं आप, इसलिए इसे गस्टेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गस्टेटरी ऑर्गन होता है, जिससे आप क्या कहते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं। इसी को कहते हैं सेंसरी ऑर्गन भी है, सेंसरी ऑर्गन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञान इंद्रिय है, जिसे ज्ञान हम रिसीव करते हैं, इनको कि इन्फॉर्मेशन आता है, जिसे क्या है, कोई भी चीज मीठा है, खट्टा है, इसे ज्ञान इंद्रिय में कहते हैं, इसे हम लोग सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। तो जीभ क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया। इसका काम क्या होता है दोस्तों, बोलने में, साउंड प्रोड्यूस करने में भी जीभ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, खाना को मुंह में इधर से उधर ले जाने में भी इसमें आप मदद होता है, टेस्ट में भी मदद होता है, और निगलने में भी दांत जो जीभ होता है उससे हेल्प करता है, खाना को निगलने में करता है। तो सवाल इससे नहीं आता, सवाल ये आता है कि ये टीथ के जो टंग है ये क्या है, एक गस्टेटरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है दोस्तों, इसे गस्टेटरी बोल दीजिए या फिर सेंसरी बोल दीजिए, ये गस्टेटरी या सेंसरी ऑर्गन है। और इसमें जो सवाल आता है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए कि देखते हैं, आए काम करेंगे, आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए यहाँ पे इसमें, कि लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इस टंग पे आप जूम कर दीजिए एक बार। ठीक है, कि इसमें देखेंगे दोस्तों कि दांत का ये होगा, ये पिछला पार्ट है दोस्तों, ये फ्रंट का है, सामने का है, ये पीछे का है। ठीक है, ये बैक एकदम पीछे का पार्ट है। ठीक है, ये फ्रंट है, ये पीछे है, जो पीछे वाला जो रूट होता है यहाँ पे बिटर का होता है, दोनों साइड में सॉर होता है, एकदम जो फोर फ्रंट होता है वो सॉल्टी होता है, और उसके पीछे क्या होता है, स्वीट होता है। तो एग्जाम में पूछता है दोस्तों इस बारे में कि अगर हम सॉल्टी कहां से एहसास करते हैं, तो एकदम टिप ऑफ द टंग में सॉल्टी होता है, बेस ऑफ द टंग में क्या होता है, बिटर होता है, साइड ऑफ द टंग में सॉर होता है, और मिड ऑफ द टंग जो कि ऊपर वाला जो बीज वाला हिस्सा है, यहाँ पे विशेष करके एक उमामी कहते हैं, उमामी जो कि आप अजीनोमोटो जैसा कुछ टेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, उमामी, जहां पे इसका हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो सवाल पूछता है ये सॉर, सॉल्टी और बिटर से और स्वीट से दोस्तों, तो इसका पूरा पार्ट आपको पता चल गया। और एक काम करें दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका फ्यूचर रेफरेंस में काम देगा।
ठीक है, तब हम लोग आगे सेलेबरी ग्लैंड्स और आगे हम लोग फूड में डाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सेलेबरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, सेलेबरी ग्लैंड जो ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेलेबरी ग्लैंड्स कितना होता है, नंबर ऑफ सेलेबरी ग्लैंड्स होते हैं 3 pairs। याद रखेंगे दोस्तों, सवाल पूछता है पेयर्स में होगा तो 3 टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 3 pairs मतलब 6 सेलेबरी ग्लैंड्स होते हैं। और इसमें जो सेलेबरी ग्लैंड्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं और ये तीनों का नाम उनके पोजीशन पे है। एक सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल का मतलब लिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे, सब मतलब क्या होता है नीचे, यानी कि जीभ के नीचे हो गया था सबलिंगुअल, ये भी 2 हो जाएंगे। फिर होता है मैंडिबुलर, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जो होते हैं ये भी 2 होते हैं। और होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सेलेबरी ग्लैंड, ये भी 2 होते हैं और ये भी लार्जेस्ट होता है दोस्तों। तो सवाल पूछता है कि लार्जेस्ट सेलेबरी ग्लैंड क्या होता है, तो याद रखेंगे लार्जेस्ट सेलेबरी ग्लैंड क्या होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो लार्जेस्ट सेलेबरी ग्लैंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 पेयर यानी कि 6 हो गए, 2 सबलिंगुअल हो गया, 2 मैंडिबुलर हो गया, 2 पैरोटिड हो गए। पैरोटिड ग्लैंड अगर आप देखना चाहते हैं इस फिगर में तो देखिए दोस्तों, ये सबलिंगुअल होगा तो यहां पे होगा, मैंडिबुलर यहां पे होगा और जो पैरोटिड होता है यहां होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पैरोटिड, ये मैंडिबुलर, ये हो जाएगा सबलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, तो ये सबलिंगुअल, मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा सेलिवरी ग्लैंड होता है। और इस सेलिवरी ग्लैंड में होता क्या, इस सेलिवरी ग्लैंड में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम दोस्तों, तो एंजाइम इसमें सेलिवरी ग्लैंड में कौन कौन एंजाइम होते हैं, तो 2 एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। एक होता है टाइलिन, TTYLINE टाइलिन होता है, तो दूसरा माल्टेज होता है। ठीक है दोस्तों, टाइलिन होता है और माल्टेज होता है और दोनों ही जो एंजाइम होते हैं ये किस पे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, याद रखिएगा स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, याद रखेंगे दोस्तों स्टार्च। ये दोनों ही एंजाइम टाइलिन और माल्टेज दोनों ही क्या करते हैं, स्टार्च पर एक्ट करते हैं। और इस स्टार्च पर जो एक्ट करते हैं तो आगे करते क्या है, याद रखेंगे दोस्तों, देखिए स्टार्च पर जब टाइलिन या माल्टेज, माल्टेज मतलब क्या हो, जिसमें एज लग जाता है दोस्तों, ASE एज लग जाता है, वो एंजाइम होता है। और जो इनिशियल नाम माल्टोज, जो शुगर है, शुगर होता है माल्ट, माल्टोज, तो जो माल्टोज पे जो एंजाइम काम करता है उसे माल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये माल्टेज जो है ये स्टार्च को डेक्स्ट्रोज में चेंज कर देता है, इसमें डेक्स्ट्रोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, तो स्टार्च को टाइलिन या माल्टेज किसमें चेंज कर देता है, डेक्स्ट्रोज में चेंज करता है। यह भी सवाल पूछता है कि स्टार्च, तो समझ लीजिए दोस्तों, यदि हमने कोई खाना खाया तो डाइजेशन कहां से प्रारंभ हो गया, तो सबसे पहले जो साइट ऑफ डाइजेशन जो है, जो जहां पे डाइजेशन शुरू होता है वो क्या है, बक्कल केविटी है, मुख गुहा में ही क्या होता है, पाचन प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहले क्या चीज पचता है, तो सबसे पहले पचेगा ये ग्लूकोज, जो स्टार्च है, स्टार्च टाइलिन और माल्टेज के प्रेजेंस में डेक्स्ट्रोज में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक पॉलीसेकेराइड किसमें चेंज हो जा रहा है, मोनोसेकेराइड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी एंजाइम जो होता है वो खास पीएच के मीडियम में क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है,
तो ये सवाल और भी पूछता है कि ये जो सेलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं, तो सलाइवा का पीएच कितना होता है? सेलिवरी ग्लैंड 3 phase, पीएच ऑफ सलाइवा याद रखेंगे, पीएच ऑफ सलाइवा जो होता है दोस्तों ये 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8, यानी कि याद रखिएगा स्लाइटली एसिडिक, मतलब कम अम्लीय होता है। याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। साफ जो होता है क्या होता है, उदासीन होगा, जो नॉर्मल होगा न्यूट्रल। जैसे पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है, और 7 से जैसे जैसे कम होगा, 7 से जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा बेसिक होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या 6.8 जो 0.2 ही कम है किससे, 7 से, यानी कि यह स्लाइटली एसिडिक है। तो सलाइवा जो स्लाइटली एसिडिक होगा, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्च में सलाइवा, जिसमें सलाइवा में टाइलिन है, तो फूड के साथ टाइलिन मिला, यानी कि सलाइवा मिला और डेक्सट्रोज में टूटा। ठीक है दोस्तों, तो इस परिस्थिति में फूड का जो कंडीशन होता है, जो स्टेट ऑफ फूड होता है, उसको क्या कहते हैं, अब जगह नहीं है दोस्तों, अब थोड़ा सा रब करना ही पड़ेगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि जो फूड है कहां पे, बकल कैविटी में, इसको कहते हैं हम फूड नहीं बोले, तो मास्टिकेटेड फूड बोले तो ज्यादा बेहतर। मास्टिकेटेड फूड क्या होगा, जो आप खाना चबा चुके हैं, मास्टिकेटेड फूड प्लस क्या, सलाइवा लग गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें टाइलिन और माल्टोज है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे बोलस कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जो स्टेट ऑफ फूड इन माउथ या बकल कैविटी क्या होता है, उसको बोलस कहते हैं, उसका पीएच कितना होगा, जो पीएच किसका, सलाइवा का होगा वही पीएच उसका होगा, यानी कि 6.8 होगा, जो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब क्या किया हमने, अब हम क्या किए कि मुंह में खाना खाए, इसे क्या कर दिए, कुचल दिए, सलाइवा मिल गया, उसमें स्टार्च डेक्सट्रोज में चेंज हो गया, अब खाना यहां से निगलना हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, खाना निगलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बस खाना बोलस जो है, अब किसके सहारे, एसोफेगस, इसको क्या कहते हैं, एसोफेगस भी कहते हैं दोस्तों, एसोफेगस या इसका स्पेलिंग एसोफेगस भी होता है, एसोफेगस, और हिंदी में क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, आहार नलिका या ग्रास नलिका भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आहार नलिका या ग्रास नलिका भी कहते हैं, आहार नाल भी कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओसोफेगस। अब ओसोफेगस में बोलस कहां पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, ये है स्टमक। तो ये खाना कैसे पहुंचाएगा, अगर मान लीजिए आप खड़े हैं तो बोल सकते हैं कि मुंह में खाना डाला, तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो पेट में चला गया, गिर गया, मतलब समझ गए। लेकिन जो ग्रास नलिका होती है उसमें क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है, जैसे ही खाना उस ग्रास नलिका में टच करता है वो क्या होता है, वहां पे एक मूवमेंट होता है, वहां पे खुल जाता है, जिसे खुलता है, और जैसे जैसे फूट जाता है वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है, ऊपर वाला पचकता चला जाता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, या पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो फूड यहां से कहां से, मुख गुहा से ग्रास नलिका के सहारे स्टमक में कैसे पहुंचता है, तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट के सहारे पहुंचता है। क्या आप दोस्तों याद रखिएगा, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट के सहारे जो बोलस है वो स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा,
ओइसोफेगस यो एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, एक नया वर्ड अभी आया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो मुख गुहा से लेकर एनस तक यानी गुदा तक जो पाइप होता है, जो कैनाल होता है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। जिसको हम रो से लेके एनस तक को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उस एलिमेंट्री कैनाल का यही एक पार्ट है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है फूड का, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, याद रखेंगे, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओइसोफेगस, ठीक है दोस्तों। तो ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, याद रखेंगे, कोई भी उसे एंजाइम नहीं निकलता है और वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के सहारे ये फूड कहां से, जो फेरिंग्स है, जो बक्कल कैविटी है, वहां से निकलने के बाद स्टमक तक पहुंचता है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज हमारे शरीर की बात है, हम अपने शरीर को जितने अच्छी तरीके से समझे, एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर अपने शरीर में होने वाली घटनाएं, होने वाली प्रक्रियाएं हैं, अगर उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने कभी देखा होगा जैसे हम कोई टॉफी खा रहे हैं, टॉफी खाते खाते लॉजेंस वगैरह खाते हैं, तो कभी कभी फिसल के क्या चला जाता है, लगता है कि निकल गया, और कभी कभी जोड़ लगा के आप कहते हैं यार अभी मुंह में डाला ही था, अब मतलब मजा नहीं आया, पैसा गया बर्बाद। तो किस तरीके से आप मतलब करते हैं और फिर से मुंह में ले लेते हैं उसको थोड़ी देर तक, ठीक है दोस्तों। तो वो उस समय कहां पे होता है कि जब आप तुरंत मुंह में ले लेते हैं, उस समय दोस्तों ये कहीं ओइसोफेगस में बहुत दूर तक नहीं गया हुआ होता है, वो थोड़ी दूर तक आया हुआ होता है, जहां से आप वॉलंटेरिली, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वॉलंटेरिली इच्छा से उसको किसी तरीके से फिर से मुंह गुहा में ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ओइसोफेगस जो होता है वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, इनवॉलंटरी। तो क्या है, मिक्स्ड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स का बना हुआ होता है, अगर पेट में बहुत अंदर तक चला जाएगा तो आप निकल के फिर से निकाल नहीं सकते हैं उसको, तो थोड़ी दूर तक जाता है फिर से आप निकल लेते हैं उसको। तो आप थोड़ी दूर तक आपकी इच्छा कंट्रोल में है, वो आपके कंट्रोल में है, अदरवाइज और बहुत अंदर तक चला गया तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं, मिक्स ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि खाना कहां से, मुंह से, कहां, किससे, ग्रास नलिका के सहारे अब स्टमक में पहुंच गया, कहां पहुंच गया दोस्तों, खाना अब स्टमक में पहुंच गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको रफ कर दो, अब स्टमक के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक। तो स्टमक दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि अभी तक जो हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा हो चुका है, करीब मोर देन 30 मिनट्स हो चुका है, 30-35 to 40 मिनट्स हो चुका है शायद, जैसा कि हमारे दोस्त बता रहे हैं हमें कि मोर देन 35 मिनट्स हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट लूज कर जाएं, तो बेहतर है कि मैं कहता हूं कि खाना तो अभी तक हमने खा लिया, पचाते अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग एक थोड़ा सा आउटलाइन ले लेते हैं कि अगले वीडियो में जो क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, बक्कल कैविटी में दांत पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया, सलेवरी ग्लैंड पढ़ लिया और ओइसोफेगस पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमने और डाइजेशन का डेफिनेशन भी पढ़ लिया था, टीथ भी पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है दोस्तों, एक आध बार मैंने कुछ सवाल बनाया है तो देखा है कि शेप पूछता है कि इंग्लिश के किस अल्फाबेट के आकार का है हमारा स्टमक, ह्यूमन स्टमक। तो दोस्तों ये देखेंगे ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। अब हमारे पेट में क्या होता है, कौन सा माध्यम होता है, कौन सा एसिड निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पाचन में ये दो अलग ग्रंथियां हैं, देखिए एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है ये, कौन, लीवर और ये अग्न्याशय इसको बोलते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है,
ये, लेकिन इनका अहम रोल होता है डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। कहां खुलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पेनक्रियाज में हम लोग जो है मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही निकलते हैं। फिर छोटी आंत जो कहने को छोटी है लंबाई में सबसे बड़ी होती है, यानी कि 20 मीटर लंबा होता है दोस्तों, ठीक है, 20 मीटर लंबा छोटी आंत होती है, 20 फीट लंबा होता है, 20 फीट लंबा क्या होता है छोटी आंत होता है। बड़ी आंत कहने को बड़ी है, होती छोटी है, 5 फीट की होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत को छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, वो भी दोस्तों 15-20 मिनट में हम लोग फिनिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टमक के बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है और कैसे कैसे एसिमिलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और खास करके हमारा फोकस MCQs में होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं उस पे भी फोकस करेंगे, और क्या पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स लॉट।